जो है कि इंग्लिश ग्रामर पोर्शन में कमज़ोर रहते हैं, जिसमें सबसे कमज़ोर या सबसे परेशान करने वाले टॉपिक जो है आपका ये है, ठीक है। तो इसी को देखिएगा कितने आसान तरीके से, कितने एक इजी वे से हम इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। तो बच्चों ये टेंस होता है, टेंस मीन्स होता है काल या समय, ठीक। यानी जिस किसी के द्वारा हमें क्या कराया जाए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का बोध कराया जाए, वो हमारा क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है, ठीक है ना। यानी ऐसा हम कह सकते हैं, ये हमारा जो होता है क्या होता है, तीन प्रकार का होता है, ठीक है। क्या होता है, तीन प्रकार, प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा क्या हो जाता है, फ्यूचर। क्लियर, समझ में आ रही बातें। अब इसका हम पहचान कैसे करेंगे कि ये क्या है? तो जिन हिंदी वाक्य के अंत में हैं, हूँ और हो, ठीक, क्या हैं, हूँ और हो लगा होता है, प्रेजेंट टेंस कहलाता है। ऐसे ही पास्ट टेंस के लिए था, थी और थे, ये लगा होता है, पास्ट टेंस कहलाता है। फ्यूचर के लिए गा, गी और गे लगा होता है, वो क्या कहलाएगा हमारा बच्चे, वो क्या कहलाएगा, फ्यूचर टेंस कहलाता है। अब प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं देखिए तो इन प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के, या हम ऐसा कह सकते हैं, एक कहानी आपको कहानी के माध्यम से ही बताएं, तो अभी कहानी बाद में देखते हैं, लेकिन फिलहाल अभी देखते हैं इसका जो है प्रेजेंट ही नहीं सभी का देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, इनडेफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्लियर, समझ में आ गई बातें। तो कहीं ना कहीं देखिए तो अब कहानी सुनने वाली चीज़ें आ गई हैं। तो बच्चों हम ये कह दें कि एक राजा था, उस राजा के तीन बच्चे कौन कौन, एक राजा टेंस हुआ, टेंस के जो बच्चे हैं कौन कौन से हो जाएंगे, प्रेजेंट हो जाएगा, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया। यानी राजा के तीन लड़के कौन, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, क्लियर हुआ। अब उसके यानी राजा के जो तीनों बच्चे थे उन सभी के जो हैं चार चार लड़के, ठीक है ना, कितना, चार चार। पहला जो हो जाएगा बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्लियर हो गया, समझ में आ रही बातें। तो कहीं ना कहीं देखिए तो इसका जो है सिंपली तरीके से अगर नाम लिखें सभी का, तो चलिए देखें क्या हो सकता है। प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाली चीज़ें ये रही कि इंडेफिनिट का पहचान जो होता है ता है, सॉरी ता ती ते, इंडेफिनिट का जो पहचान होगा ता ती ते, कंटिन्यूअस का पहचान रहा रही रहे, परफेक्ट का पहचान चुका चुकी चुके, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का रहा रही रहे के साथ साथ क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले इन सभी के जो है, सभी जो एक राजा था उनके तीन लड़के थे, उन तीनों लड़कों के कितने लड़के थे उन सभी के हम नाम लिखते हैं। चलिए देखते हैं वो नाम क्या होगा, ध्यान दीजिए बच्चों। अब वही चीज़ें देखिए, यहाँ पे मैंने लिखने का प्रयास किया है, आपका टेंस हुआ, यानी एक राजा, उस राजा के तीन बच्चे,
प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उन सभी के जो है कितने, चार चार, तो वो क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आफ्टर दैट पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड आफ्टर दैन फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब हिंदी की पहचान जानने का प्रयास करते हैं बच्चे। ये मैंने बताया था इसका जो होता है ता, ती और ते हो गया। ठीक है, यहाँ था, थी, थे होगा। ठीक है, और ये गा, गी, गे होंगे। ठीक है ना, अब देखिए ये तो काल था या समय था। ठीक है ना, काल या समय। ठीक है ना, अब देखिएगा हमने ये बताया था बच्चों कि पहले प्रेजेंट जो होता है, पास्ट जो होता है, और सॉरी इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, फिर परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसका पहचान हमने बताया ता, ती, सॉरी कुछ उल्टा तो हो गया, क्या उल्टा हो गया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे है हूँ होगा। ठीक है ना, है हूँ और हो आएगा। ठीक है, समझा, अब सही है। अब देखिएगा ता, ती, ते, रहा, रही, रहें, फिर चुका, चुकी और चुके। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, रहा, रही, रहे के साथ जो है आपका क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बातें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। अब देखिए सभी के लास्ट में जो है इंडेफिनिट लगा हुआ है, यहाँ पे इंडेफिनिट लगा हुआ है, यहाँ पे इंडेफिनिट लगा हुआ है। अब देखिएगा इसी को हम एक कोरिलेट करने का प्रयास करते हैं, हिंदी जानने का प्रयास करते हैं। सभी के लास्ट में हिंदी का जो है क्या आ जाएगा, है हूँ हो आ जाएगा। अब इसको उठाइए, इतने को उठाइए, उठा के यहाँ पे रखिए। ठीक, और इसको उठा के पीछे रख दीजिए, तो देखिए क्या होगा, ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, एंड रहा है, रही है, रहे हैं के साथ साथ क्या आ जाएगा बच्चे, समय आ जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे ऐसे ही इसको उठाइए, यहाँ पे रखिए, इसको उठा के इसके पीछे रख दीजिए, देखिएगा क्या कहता है। फिर से ता था, ती थी, ते थे, रहा था, रही थी, रहे थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, फिर रहा था, रही थी, रहे थे के साथ साथ क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। ऐसे ही फिर से उठाइए, इसको यहाँ पर रखिए, इसको पीछे रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे या गागी गे, फिर अगेन चुका, सॉरी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, फिर रहा होगा, रही होगे के साथ साथ क्या आ जाएगा बच्चे, समय आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आज हम टेंस के पूरे जो है पहचान जान चुके, अंग्रेजी में प्लस हिंदी में। ठीक है ना, जब तक बच्चे हमें क्या है पहचान नहीं आएगा, तब तक हम हिंदी में क्या आता है उसका पहचान कैसे होगा, इंग्लिश में क्या आएगा उसका पहचान क्या होगा, तब तक हम जो है कभी भी टेंस बनाने के लायक नहीं रहेंगे। तो चलिए अभी तो फिलहाल हिंदी का पहचान आप जान चुके हैं कि हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ जाएगा, ये सब चीज़ें आएंगी। ठीक है ना, तब ये टेंस होगा। ठीक है, तो जब आप टेंस पढ़ लोगे तो खुद ही इंग्लिश में पहचानना समझ जाओगे कि इस टेंस के लास्ट में या एंडिंग में या कहीं भी क्या आएगा, तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, आप सभी का आज का वर्क जो है वो रहेगा टेंस के जो 12 भाग आपको बताया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, बाकी चीज़ें, तो उनके सभी के नाम सीरियल वाइज आपको याद रखने हैं।
और दूसरा क्या है, हमने आपको हिंदी पहचान बताया टेंस के सभी के, वो उसको याद रखना है क्योंकि ये आपको आगे पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ही ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसका जो है शेड्यूल जो है बता दिया जाएगा कि हफ्ते में किस किस दिन जो है आपका टेंस बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा आपको, वो आपको नोटिस के ज़रिए बता दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से टेंस के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।